तो अभी अभी मैंने स्लाइसर के बारे में समझाया। तो स्लाइसर में क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक बार मैं बताता हूँ आपको, स्लाइसर आप यहाँ ले लिए, सॉरी यहाँ पे मैं टोटल फिगर ले लेता हूँ। तो मेजर्स में हमने नॉर्मली सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है, टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे सम क्वांटिटी का फॉर्मूला है ना सर। दूसरा हमने एक बार और यहाँ पे लेते हैं, सॉरी इसको हम एक बार और लेते हैं। इसमें मैंने आपको सम अक्रॉस फिल्टर जो मैंने अभी अभी थोड़ा देर पहले बताया, ये सम अक्रॉस फिल्टर्ड है, हमने उसको ले लिया। तो अब इन दोनों में क्या होता है कि अगर आप स्लाइसर यूज करते हैं, स्लाइसर इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए नेम डाला तो एक कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पे देख रहे फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है कोई, पर इसमें पड़ रहा है क्योंकि ये जो हमने फॉर्मूला लगा रखा है, ये हमारा फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेट में क्रॉस फिल्टर, जो कि डेटा में स्लाइसर की कनेक्टिविटी जो होती है, स्लाइसर की कनेक्टिविटी हटा देता है। मतलब कि इस फॉर्मूले में हमें एक नया टेबल बनाने की जरूरत नहीं, पर स्लाइसर को यूज नहीं, जो कि अभी समझाया। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस पे एक स्लाइसर चले, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है जोन का सर चले, मतलब मैं अपने डेटा में कई सारे स्लाइसर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जिसमें से अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे स्लाइसर रखना है कि भाई इस पर क्लिक करो तो सिर्फ इसी का चले, ये तो मान लीजिए ए इसके, मान लीजिए कि ए इसके लिए कि मैं यहाँ अगर चेंज करता हूँ इसके सामने में रख देता हूँ, राइट। अब मैं इस पर क्लिक करूँ, अगर क्लिक करूँ तो उसके हिसाब से डेटा आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी स्लाइसर एक रखूँ, नीचे कर देता हूँ मैं, हाँ यहाँ भी एक स्लाइसर रखूँ यहाँ पे, जो कि इसको चेंज करे, मतलब इस स्लाइसर से, ये जो स्लाइसर है इस स्लाइसर से हमारा इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसका एक अलग स्लाइसर। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आपके साथ क्रॉस ऑल एस्पेक्ट, ऑल एस्पेक्ट मतलब कि इसके अंदर ऑल एस्पेक्ट हम कैलकुलेट में फॉर्मूला सेम रखे हुए हैं। मैं लगा कर बताऊँ सर, मैं दोबारा लगा कर बताता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें एरिया को, हम चाहते हैं कि अब ये जो बनाने जा रहा हूँ 38 के, इस पे मेरा कोई भी स्लाइसर ना चले पर एरिया फील्ड का स्लाइसर चले। एक मिनट, इस पे 38 के पर कोई स्लाइसर अभी है नहीं? नहीं, स्लाइसर से बाहर है अभी। अच्छा, अभी कोई फॉर्मूला भी नहीं है इस पे लगा हुआ? नहीं, फॉर्मूला तो मैं डिलीट कर दिया ना सर। ठीक, सेल्स क्वांटिटी के नाम से बना रहा हूँ इक्वल, और इसमें फॉर्मूला पहले से लगा हुआ था, पहले से फॉर्मूला जो लगा हुआ है पहले से, ये आपका क्रॉस फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ क्रॉस फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। ठीक, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा अगर इस पे ऑल एक्सेप्ट लगा रहा है? हमने डिलीट कर दिया ना, हमने इसको, हमने क्या किया, टोटल है ना हमारा, टोटल के क्लिक किया, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, वो फॉर्मूला जो था डिलीट कर दिया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेट सम, सम के अंदर हमने बोला कि क्वांटिटी का सम करना है, और फिर हमने यहाँ पे लगाया और एस्पेक्ट, और एस्पेक्ट टेबल नेम में हमने दिया सीट वन कॉमा, यहाँ पे हमें क्या एस्पेक्ट करना है, तो हमने बोला भाई इसकी एरिया को, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया, टोटल आ गया। अब मान लीजिए कि अभी स्लाइसर यहाँ से चेंज करता हूँ तो ये इफेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, नहीं। लेकिन मैं एक और स्लाइसर लूंगा, मैं यहाँ रखता हूँ इसको, और इसमें मान लीजिए मैं एरिया रखता हूँ, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन दे दिया जी। ठीक है, अब मैं इसके अंदर, ये हो गया हमारा, अब इसके अंदर मैं चेंज करता हूँ तो सिर्फ मेरा साउथ किया साउथ आया, दिख रहा है सर? हाँ जी। तो जो एक मैंने कहा था ना सबको छोड़ के एक जी, वही निकला, देख ईस्ट होगा, लेकिन इस पे इफेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, अभी हमने इसमें एक मिनट, ये रिस्पेक्ट है ना, हमने यहाँ से टोटल ईएस रखा रखे, यहाँ पे अगर हम
ऑल एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा। हम गलत रह गए पढ़ते। हाँ ठीक है सर, दिख गया सर, अब हुआ ठीक है। ठीक ठीक लेकिन ये दोनों पर काम कर रहा है सर? हाँ तो इस पे तो सिर्फ सम का, नॉर्मली सम का लगा है, ये तो हर स्लाइसर से कनेक्टेड है। अच्छा यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट का लगा है तो इसमें सिर्फ ये एरिया से कनेक्टेड है, एरिया फील्ड से कनेक्टेड है। किसी भी स्लाइसर पे एरिया रखेंगे ना उसी से कनेक्ट होगा। अगर एरिया को चेंज कर देते, मान लो एरिया की जगह पे मैं नेम कर देता हूँ, तो फिर नेम पे वर्क नहीं करेगा। देखिए ये तो नॉर्मल सम है, सब पे वर्क करेगा ठीक है। जैसे मैं इस पे एरिया डालूंगा ये वर्क करना। सर आवाज 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 नहीं आ रही। एक मिनट सर, आवाज नहीं आई आपकी। हेलो आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। अभी आ रही सर? अब आ रही है। तो इसका इन दोनों फॉर्मूलों का आप यूज करें और इसका एक बनाए और बना के मुझे बताए। ठीक है सर। ठीक है ठीक। कल मिलते हैं आई क्लासेस के लिए।